ऑल जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो आपका एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में ये आपकी फोर्थ वीडियो है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो। ठीक है, इसमें आप डिस्कस करेंगे बार एवं बेंच से क्या अभिप्राय है, दोनों के मध्य संबंधों को किस प्रकार मधुर बनाकर रखा जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं बार एवं बेंच। तो न्याय प्रशासन जो होता है उसमें बार एवं बेंच का महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है, दोनों को ही। ठीक है, बार एवं बेंच को, ये दोनों बार एवं बेंच एक सिक्के के दो पहलू इनको कहा जा सकता है, या दोनों में चोली तथा दामन का नाता होता है। बेंच की प्रक्रियाओं में बार सहायक होता है, यानी जितनी भी न्यायिक प्रक्रियाएं चलती हैं एक न्यायालय के अंतर्गत उसमें बेंच की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसमें बार जो होता है वो सहायता की एक तरह से उसकी हेल्प करता है, सहायक के रूप में कार्य करता है एक अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए। कारण यही है कि इन्हें मधुर संबंधों की अपेक्षा की जाती है। इन क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए समुचित रूप से इनमें संबंध जो है उसको मधुर संबंध की अपेक्षा की जाती है। जबकि हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें बार एवं बेंच से अभिप्राय क्या है, तो बार से क्या अभिप्राय है। तो अधिवक्ताओं का समूह अर्थात अधिवक्ताओं के समूह को बार कहते हैं। इसे अभिभावक परिषद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी जो अधिवक्ताओं का जो समूह होता है उसको ही क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इसको अभिभावक परिषद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया जो है उसके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि बार के संदर्भ में न्यायालय दो भागों में बटा होता है, यानी दो पार्ट्सों में बटा होता है। एक न्यायालय के अधिकारियों का एवं एवं अधिवक्ताओं का, यानी एक पार्ट तो न्यायालय के अधिकारियों का होता है और न्यायालय के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं का होता है, अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए होता है, और उसके लिए जब दूसरा जो पार्ट होता है उसका वो जन साधारण के लिए होता है। अतः बार से अभिप्राय अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान है, यानी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया जो है उसने ये कहा है। उसके अनुसार ये है कि बार के संदर्भ में न्यायालय दो भागों में होता है, एक भाग तो अधिवक्ता एवं जो अधिकारी होते हैं न्यायालय के उनसे संबंधित होता है, जबकि दूसरा भाग जन साधारण से संबंधित होता है। और हम ये कह सकते हैं कि बार से अभिप्राय अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान है। इस प्रकार बार से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहाँ अधिवक्ता बैठकर अपना सामान्य कामकाज निपटाते हैं। तो इस प्रकार से हम बार को परिभाषित कर सकते हैं। जबकि बेंच से क्या अभिप्राय है, बार की तरह बेंच से अभिप्राय उस स्थान से है जहाँ न्यायाधीश न्याय प्रशासन का कार्य करते हैं। वस्तुतः न्यायाधीशों का सामूहिक नाम ही बेंच है। इस प्रकार न्यायाधीशों का समूह या वर्ग ही बेंच कहलाती है। इसे न्यायपीठ भी कहा जाता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में एकल न्यायाधीश होता है, बैठक होती है न्यायाधीश की। ठीक है, जबकि उच्च एवं उच्चतर न्यायालयों में एकल न्यायपीठ, खंड न्यायपीठ, विशेष न्यायपीठ, संवैधानिक न्यायपीठ, पूर्व न्यायपीठ आदि जैसी न्यायपीठ होती हैं। अब अपना इसमें थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पार्ट है, वो इसमें यह है कि बार एवं बेंच के बीच संबंध किस प्रकार से होते हैं और कैसे इनकी अपेक्षा की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि दोनों में सौम्य एवं शालीन व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, यानी दोनों के बीच सौम्यतापूर्ण और शालीन का व्यवहार होना चाहिए। भाषा का स्तर ऐसा होना चाहिए जो एक औपचारिक रूप से सौम्यता एवं शालीनता संबंधों को बनाए रखे और आपसी सौहार्द और माहौल जो है न्यायालय का वो बरकरार रहे। दूसरा पॉइंट यह है, भाषा में मधुरता होनी चाहिए, यानी भाषा का जो स्तर होना चाहिए वो औपचारिक मधुरतापूर्ण होना चाहिए, संबंधों को स्थापित करने वाला होना चाहिए, संबंधों को बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अगला यह है परस्पर सम्मान, दोनों को ही आपस में सम्मान पूर्वक होना चाहिए। अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और न्यायाधीशों का जो भी अपेक्षित सम्मान है अधिवक्ताओं के प्रति वो होना चाहिए। परस्पर सम्मान की भावना यहाँ पर होनी चाहिए, एक दूसरे में मनमुटाव जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। और अगला पॉइंट ये, निंदा से बचना चाहिए। बार एवं बेंच की मधुर संबंधों के लिए और सौहार्द के लिए निंदा से बचना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, आलोचनाओं से बचना चाहिए। अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि न्यायालय के संबंध में न्यायाधीशों द्वारा जो भी टीका टिप्पणियां की जाती हैं उसके संबंध में विशेष आलोचनाओं से बचना चाहिए, अनावश्यक आलोचनाओं से बचना
चाहिए ताकि एक सौहार्दपूर्ण बेंच एवं बार के संबंध में संबंध बना रहे। टीका टिप्पणियां ना करें, वही आलोचना से रिगार्डिंग टीका टिप्पणियां ना करें या निर्णय के रिगार्डिंग टीका टिप्पणियां ना करें, ऐसी टीका टिप्पणियां ना करें जो अनैतिक हो, विधि आधारित ना हो और अनौपचारिक रूप से हो। इस प्रकार की टीका टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। निजी सरोकार ना रखें, किसी प्रकार का निजी सरोकार नहीं होना चाहिए, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि द्वेष भावपूर्ण निजता नहीं होनी चाहिए कि हम एक एक जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय के संदर्भ में जो भी एक तर्क वितर्क होते हैं वो न्यायालय तक सीमित रहने चाहिए, उसके संदर्भ में आगे उसमें निजी सरोकार नहीं होना चाहिए। और साथ ही निजी सरोकार के संबंध में अपने निजी हितों को परे रख करके अपने कार्य संचालित किए जाने चाहिए बार तथा बेंच द्वारा। 8th पॉइंट है अपना, क्रोध एवं उत्तेजनाओं से बचना चाहिए। दोनों को ही, बार एवं बेंच को क्रोध एवं उत्तेजना जो होती है उनसे बचना चाहिए। संबंधों को बिगाड़ने वाले संव्यवहार होते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से अधिवक्ता के साथ, किसी प्रकार से न्यायाधीशों के साथ, या किसी प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे नहीं होने चाहिए जो भेदभाव से युक्त हों, भेदभाव से वो एक तरह से उसमें भेदभावपूर्ण उनका आशय हो, इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। अनावश्यक ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जो अनावश्यक हो, विधि उस तथ्यों से उसका दूर दूर तक नाता ना हो। तो इस प्रकार से अधिवक्ताओं के कर्तव्य के अनावश्यक ज्ञान नहीं होना चाहिए, और मधुर संबंधों के लिए दोनों का ये कर्तव्य है कि अनावश्यक ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें, न्यायालय को भ्रमित ना करें, यानी बार एवं बेंच के उचित संपर्क के लिए यानी उचित संबंध के लिए ये जरूरी है कि न्यायालय को भ्रमित करने वाले इस प्रकार के तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने चाहिए जो द्वेषपूर्ण हो, द्वेष भावना से रहित हो या फिर असत्य हो, ठीक है, मिथ्या कथन हो, इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट है, सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। दोनों को ही, बार एवं बेंच के जो भी व्यक्ति होते हैं अधिवक्ताओं के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, दोनों एक दूसरे के साथ में जो पर्सनल संबंध है वो काफी सुख दुख में सहभागी बनने योग्य होने चाहिए। हर प्रकार के संबंध वहाँ पे स्थापित होने चाहिए, लेकिन वो केवल एक ऐसे होने चाहिए जो उनके संबंधों को मधुर बनाए और आगे के लिए भविष्य रूप से उनको सही स्तर उनका बनाकर बरकरार रख सकें दोनों के संबंध के संदर्भ में। तो सुख दुख में सहभागी बने। लास्ट पॉइंट अपना, अनुचित कार्य ना करें। दोनों से ही अपेक्षा की जाती है सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए, चाहे वह अधिवक्ता हो या न्यायाधीश हो, कि अनुचित प्रकार के कार्य संपादित ना हो, ऐसे कार्य हो जो न्यायपूर्ण हो और जो न्याय प्रशासन में पालन योग्य होने चाहिए, विधि विरुद्ध ना हो, अनैतिक ना हो, किसी को हानि पहुंचाने के आशय से ना किए गए हों, तो इस प्रकार के कार्य संपादित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें।